अंदर बच्चे का डेथ हुआ था, इंतकाल हुआ, कब्रिस्तान में सुबह में 8:30-9 के करीब दफना है। और हमने संडे के रोज़ हम वहाँ पे आए बच्चे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए सुबह में आए तो वहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ था और वहाँ से बच्चा गायब था। जलगांव शहर के मुस्लिम कब्रिस्तान से दफनाए बच्चे का शव गायब होने से शहर में हड़कंप मच गया है, जिसकी शिकायत की अर्जी MIDC पुलिस थाने में करीम शेख ताज मोहम्मद निवासी बालाजीपेट मेलपुरा जलगांव ने देकर कहा है कि वे उनकी पत्नी, माता पिता और भाई के साथ उपरोक्त पते पर रहते हैं। वो उनकी पत्नी गर्भवती थी और 7वें महीने में बच्चे का ठीक से विकास नहीं हो पाने के कारण डॉक्टर की सलाह पर 30 दिसंबर 2023 को उसने भ्रूण को हटा दिया और 7 महीने के भ्रूण को मेरे धर्म के अनुसार दफनाने के लिए मुझे सौंप दिया। 30 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे अजंता चौफुली के पास कब्रिस्तान में उन्होंने 3 फीट गहरे गड्ढे में बड़े पत्थरों और फर्श से ढककर विधिपूर्वक दफनाया गया। वह 31 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे वे जब फातिया खानी शांति प्रार्थना करने के लिए अपने धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार फूल चीनी और पानी के साथ दफन स्थान पर गए तो पाया कि दफन स्थान को खोदा गया था और वहाँ बड़े पत्थर और फर्श की टाइलें रखी हुई थी। वे तभी एक तरफ फेंक दी गई थी और शव कब्र से गायब था। वह कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही अनुचित और अनैतिक घटना है, जिसकी गहन जांच करनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उनके बेटे का दफनाया गया शव गायब हो गया है, इसलिए हमें उसे ढूंढने और उसे वापस करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। 30 तारीख के रोज तबस्सुम भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे सुबह 5 बजे के करीब। वहाँ पर हमारे पोतरे का, हमारे भतीजे के लड़के का जो है बहू का पेट के अंदर बच्चे का डेथ हुआ था, इंतकाल हुआ, और वो बच्चा 7 महीने का था। और वो 7 महीने के बच्चे को हमने ईदगाह कब्रिस्तान में सुबह में 8:30-9 के करीब दफना है। और हमने उसका कॉन्टैक्ट जो है कब्र खोदने वाले से किए, उस कब्र खोदने वाले ने 3 फुट कब्र गड्ढा खोदा और वो गड्ढे में बच्चे को दफनाया गया 11 बजे के करीब। अब वो बच्चा हम सुबह में दूसरे रोज़ 31 तारीख के रोज़ संडे के रोज़ हम वहाँ पे आए बच्चे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए सुबह में आए तो वहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ था और वहाँ से बच्चा गायब था। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये पता नहीं कब से हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे मुस्लिम ईदगाह ट्रस्ट का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ पे जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो है जितने चौकीदार होना चाहिए था, कैमरे होना चाहिए था, उस तरीका यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। ये घटना आज की नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएँ हो चुकी है। कुछ लोगों को दबा करके बात को दबा दिया जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम ये बात को पूरी तरीके से कानून के मालूमात में लाना चाहते हैं कि कानून भी इसके ऊपर इंक्वायरी करे और हमारा पूरी तरीके से साथ दे। और ये जो घटना हुई है इसके ऊपर पूरी तरीके से इंक्वायरी करके मुस्लिम कब्रिस्तान को पुलिस स्टेशन में बुला करके उनसे पूछताछ करे और हमारा सहयोग करे। अभी तक हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं है, अभी वो बाहर है, हमारा उनसे अभी कांटेक्ट हुआ नहीं है। इससे पहले हम वो बात को दबाते, उससे पहले ही हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आके FIR करने की हमने कोशिश की है, लेकिन यहाँ के साहब से, PI साहब से हमारी बात हुई। PI साहब ने कहा है कि आप पहले दवा खाने का एक सर्टिफिकेट लेकर आए और उसके बाद जो है एक लिखित में हमारे को FIR करें, उसके बाद हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, ऐसा हमको आश्वासन यहाँ के PI साहब ने दिया है।